हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख लीजिए, आज बनाने जा रहे हैं राजमा चावल। तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। और टाइम कितना हो गया, 5 बज गए हैं और इसको मैंने भिगोया नहीं, भूल गई। और इंस्टेंटली अभी प्लान बन गया कि राजमा चावल बनाना है। और बताऊं, जिंदगी में पहली बार बना पता नहीं कैसा बनेगा। तो इसको 1 घंटे के लिए मैं भिगो देती हूँ गरम पानी में। देख लीजिए, मैंने गरम पानी कर लिया। इसको हम इसमें डाल देंगे और ढक देंगे 1 घंटे के लिए। तो इसको अब 1 घंटे बाद मैं आप लोगों के सामने ही उघारूंगी। ओके, तो ठीक है, चलिए 1 घंटे बाद मिलते हैं, बाय। तो गैस 1 घंटे हो गए और देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा पानी अंदर की तरफ रह गया था पर, और ये अच्छे से फूल चुका था, ऐसा नहीं था कि ये फूला नहीं था। तो इसको मैं 2-3 बार धो लूँगी अच्छे से। और मुझको बाद में पता चला कि इसको पहले धोना था और इसको मैं बाद में धो रही थी, मतलब रेसिपी यूट्यूब पर देखी थी एक बार तो मैं भूल गई थोड़ा सा। पहले धोने के लिए बोला गया था और मैं गर्म पानी में पहले भिगो ली, उसके बाद इसको धो रही हूँ। तो कोई बात नहीं, पहली बार बना रही थी, लाइफ में पहली बार ट्राई किया था राजमा बनाना। तो इसको मैं अच्छे से 2-3 पानी से धो ले रही हूँ। और आप लोग देखिए, 1 पानी से ये धुल चुका है और दूसरी बार धोने के लिए मैं वहाँ पे पानी ले रही हूँ। तो 2 बार धोई और फिर 1 बार धोई थी, तो 3 बार मैंने धोया और अच्छे से इसको साफ़ कर लिया। और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि पहली बार में ही बहुत भयंकर बनकर रेडी हो चुका था ये। और इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि कुकर पे कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया और इसको उबालने से पहले थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के, जय श्री राम, 1 चम्मच के अराउंड, तो 1 चम्मच के अराउंड हमने सरसों का तेल डाला था। उसमें एक बड़ी इलायची को क्रश करके डाला, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी डाली, ताकि इसके जो फ्लेवर हैं वो हमारे राजमा में आ जाएं। और इसको थोड़ा सा हमने चटकने दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ, तो ये अच्छे से चटक गया, खुशबू आने लगी, तो थोड़ा सा मैंने राजमा डाला। उसके बाद पानी थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि मैं राजमा उबालने ही जा रही हूँ। और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है, इसलिए मुझको बार बार एक हाथ से काम नहीं हो रहा था, तो मैं उसको बार बार मोबाइल को रख कर और दोनों हाथ से काम कर रही थी। तो दोनों हाथों से मैंने राजमा को डाल दिया कुकर में और फिर नमक डाल दिया मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ कुकर को, और 1 सीटी लगाऊंगी फुल फ्लेम पे। उसके बाद 10-12 मिनट के बाद के लिए मैंने गैस को बिल्कुल धीमा आंच कर दिया था, स्लो कर दिया था। तो देख लीजिए, 1 सीटी लगा और उसके बाद मैंने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया। और धीमा करने के बाद 2 सीटी लगते हैं, 4 सीटी लगते हैं, ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि 12 मिनट के लिए मैंने रखा, तो मायने ये नहीं रखता कि 2 सीटी लग रहे हैं या 4 सीटी। मायने ये रखता है कि 1 सीटी फुल फ्लेम पे लगाने के बाद हम इसको 10-12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने मसाले लिए जो कि आपने देखे, तो मसाले सभी मैं पीस लूँगी, जिसमें ये थे लहसुन थे और जीरा और काली मिर्च था और गरम मसाला था और धनिया था और थोड़ा सा वो था अदरक था, तो उसको पीस लिया। और उसके बाद ये 4 टमाटर को मैंने काट लिए थे, 3-4 टमाटर को, उसको पीस लिए। और यहाँ पे देख लीजिए, मेरा मतलब 10-12 मिनट हो चुका था, तो मैंने उतार लिया राजमा को और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। और कढ़ाई गर्म होने पर मैंने थोड़ा सा नहीं, जितना मतलब सब्जी बनाने में यूज करती हूँ उतना मैंने सरसों का तेल डाला कढ़ाई में। और यहाँ पर गर्म हो गई तेल, तो हमने उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और 2-3 हरी मिर्ची को टुकड़े में करके मैंने थोड़ा थोड़ा 2-2 टुकड़ा कर दिया था और उसको डाल दिया। और फिर ये जो प्याज हमने चॉप करके रखा था उसको डाल दिया, और प्याज भी 4 थे या 5 थे ऐसे ही थे, तो आप भी मीडियम साइज के 4-5 प्याज ले लीजिए। और जो भी थाली में था उसको मैं अच्छे से डाल रही हूँ कढ़ाई में, कि अच्छे से हमारी चीज़ें मतलब फालतू में बर्बाद ना हो। तो थाली में जो लगा था उसको भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पे देख लीजिए, प्याज को मैं आधा ये भून चुका है, अभी और ये सुनहरा होगा,
तो स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इसका सीटी निकल चुका था तो मैंने इसको खोल लिया कुकर को, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ये देख लीजिए, मतलब कि कितने अच्छे से सीझ गया है, ये अच्छे से बिल्कुल सीझ कर पिस्ता बन गया एकदम से राजमा। और यहाँ पे थोड़ा सा और लगेगा, उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो मसाले और वो टमाटर सभी एक ही बार में डालते हैं, पर मुझको लगा कि अगर मसाले और टमाटर एक बार में डालूँगी तो मसाले भुनेंगे नहीं, तो मैंने पहले मसाले डाल दिए और मसाले को मैंने 50% भून लिया पहले, और थाली में जो लगा था उसको भी डाल दिया। तो मसाले को मैं आधा भून लेती हूँ 50%, उसके बाद मैं टमाटर का प्यूरी डालती हूँ। तो यहीं पे मसाले भूनते टाइम ही मैं हल्दी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से भून लूँगी जब तक ये आधा भून ना जाए। जितना हल्दी की ज़रूरत थी मुझे उतना मैंने डाला है, और ये अच्छे से भून चुका है, देख लीजिए। अच्छे से नहीं, आधा 50% भुना है ये मसाला। तो यहीं पे मैं टमाटर का जो हमने पीस कर रखा है प्यूरी, उसको भी डाल दूंगी मैं। और इसको भूनने में कम से कम 7-8 मिनट आपको लगेंगे, क्योंकि अगर टमाटर का प्यूरी अच्छे से नहीं भुनेगा तो कचैना स्वाद आएगा, कच्चा कच्चा सा स्वाद आएगा। तो 5-8 मिनट लग जाते हैं इसको भुनने में, तो इसके साथ ही मसाले भी भुन जाते हैं। तो देख लीजिए, मैं थोड़ी थोड़ी देर रुक कर आपको दिखा रही हूँ कि भूनती ही जा रही हूँ। और उसके बाद जब ये मतलब 75% भुन गया, तो यहाँ पे मैंने मिर्ची पाउडर ऐड कर दिए। तो इसको ना भूनने का ही काम है सारा, और मैं यहाँ पे इशारे भी कर रही हूँ कि अभी इतने भुनने के बाद भी 5 मिनट और भुनेंगे ये। तो आप देख लीजिए कि ये जितना भुनता जाता है उतना ही मतलब कि ये ब्राउन कलर का होता जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये और भी अच्छे से भुन गया तो और सुंदर दिखने लगा। अब यहाँ पे मैं इसमें राजमा ऐड कर दूँगी, क्योंकि मसाले इतने अच्छे से भुन चुके थे कि तेल छोड़ने लगे थे। और उसके बाद मैंने इसमें राजमा डाल दिए, और राजमा डालने के बाद, हाँ एक बात और बता दे रही हूँ कि धनिया पत्ती मेरे पास नहीं था, और एक चीज़ नहीं था, क्या कहते हैं उसको, कस्तूरी मेथी, कसूरी मेथी ऐसा ही कुछ होता है, वो नहीं था मेरे पास, और धनिया पत्ती नहीं था। तो उनके बिना ही मैंने बनाया, पर इतना टेस्टी बना था, इतना लाजवाब बना था कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे जितना मुझको पानी डालना था उतना मैंने डाला, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। पर मैं कहूँ ना कि आप ना जैसे जितना मैंने पानी डाला है इतना ही डालोगे तो आपको अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि ज़्यादा पानी डालोगे तो मसाले अलग और ये दाने अलग हो जाएंगे राजमा के। तो आप इतना ही पानी डालो जितना कि वीडियो में दिख रहा है, और इसके बाद मैं 4-5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे कर दूँगी, ताकि मसाले और राजमा एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाए अच्छे से। और फुल आँच पर नहीं पकाऊँगी, इसलिए कि पानी सारा सूख जाएगा जो हमने इसमें डाला है। और उसके बाद 5-7 मिनट हो गए, 7 मिनट नहीं 5 मिनट ही हुए, तो मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया। और आप लोग ना इग्नोर मारिएगा, मेरा ये ख़राब हो चुका है चूल्हा, तो कैसे कैसे मैं काम चला लेती हूँ। और उसके बाद देखिए फाइनल लुक इसका, जो कि बनने के बाद कैसा दिख रहा है। और मेरे कहने पे एक बार बना कर देखिए, मतलब मेरा पहला बार में ही इतना मस्त बन गया, इतना अच्छा बन गया, देख लीजिए। और ये बहुत ही बनकर अच्छे से रेडी हो गया, और मैं इसको अभी ढक कर रख देती हूँ एक बार और 2-4 मिनट के लिए, इसलिए ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। पर मैं इसलिए ढक कर रखी थी 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे चावल की अभी सीटी नहीं निकली थी, तो 2-4 मिनट में ये और भी खूबसूरत दिखने लगा ढका ढका। आँच तो हमने बंद कर दिया आपके सामने ही, पीछे वीडियो में देखा आपने। तो उसके बाद मैं अब यहाँ पे खाना निकाल लूँगी, मेरा चावल बनकर रेडी हो चुका था, तो यहाँ पे राजमे निकाल लूँगी एक कटोरी में। और ऐसे मतलब दो तरह से सर्व करके मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, तो आप इन दोनों तरह को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे या तो आप कटोरी में राजमा निकाल लो और इस तरीके से सर्व करो, चावल निकाल लो थाली में, राजमा निकाल लो कटोरी में, और उसके बाद सलाद जो भी आपके पास सैलड है उसको उसमें रख कर, और आप ऐसे सर्व करो। या फिर ये हमारा गांव देहाती तरीका मैं अभी दिखा देती हूँ आप सभी को, कि स्पेशली हम कैसे खाना खाते हैं गांव देहाती तरीका, और कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे खाने में। तो चावल के ऊपर से राजमा डालो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।